की बात कर रहे हैं, वो PW26 ने कोर्ट में पैरा नंबर 9 में कहा है कि मुझसे नोकिया का मोबाइल जब्त हुआ है, और जबकि सीजर मेमो बताता है कि सैमसंग का हुआ है, और जिस मोबाइल को नंबर को ये बोल रहे हैं वो नंबर को सिम को रजिस्टर को सीज करना नहीं बताता है, सिम किसी और के नाम पे है। एविडेंस, ये जो 5.5 या 6.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है जयप्रकाश का, आप कहते हैं कि इसने दिया, लाला राम ने दिया, पता और नहीं है। मोबाइल भी मेरा नहीं है, सिम भी मेरे नाम में नहीं है, अरे आप सीजर इतने अच्छे आदमी हैं कि आपके नाम कुछ नहीं है, सिर्फ आप फालतू का जेल में हैं, इतने अच्छे आदमी हैं आप, है ना। द प्रॉब्लम इज दैट ना, एविडेंस पे है ना, है तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये तो वो समझ में आ रहा है। 10 years, रियल 7 में 10 साल है, 307 में 10 साल है जी और 302 में लाइफ है। लाइफ है। इंजर्ड मैरिट भी हैं कोई? कितने मैरिट इंजर्ड हैं? एक ही मैरिट एक इंजर्ड। एक्यूज कितने हैं? एक्यूज है। डिसीज कितने हैं? एक ही है। इंसिडेंट कै बजे का है? मैरिट इंसिडेंट 14/5/12 का है, कै शाम को बजे का चार है? बजे का कै बजे यस का? 14/5/12 शाम को 6:30 बजे। मेरे प्रोसिक्यूशन केस आई ये है, विटनेस अकाउंट है कि नहीं इंजर्ड विटनेस है? तो आई विटनेस हो ही मैरिट गई। हाँ तो इंजर्ड विटनेस तो ही है ना। डिसीज कौन था इंजर्ड का? नहीं, डिसीज है दिलीप अडवाणी, पार्टनर है कोई? ये प्रॉपर्टी अच्छा, दोनों पार्टनर थे। और एक्यूज का क्या रिलेशन था उनसे? मैरिट ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, अच्छा डिसीज और इंजोल। अच्छा ठीक है, हाँ इनने राइट। एक लाला राम बंजारे नाम के व्यक्ति को, जो 2nd 15 नंबर पे जो इसके अपील है, 1,75,00,000 रुपए उसको दिया एक जमीन खरीदने के लिए, जो लाला राम बंजारे के रिश्तेदार की थी। लाला राम बंजारे ने मात्र 51 लाख रुपए अपने उस रिश्तेदार को दिया, बाकी पैसे खर्च कर दिए। ये डिसीज और इंजोर्ड उसको प्रेशर कर रहे थे कि तुम रजिस्ट्री कराओ स्टोरी। नहीं, पैसा किसने लिया था? लारा राम बंजारे ने लाला राम बंजारे ने फ्रॉम द डिसीज। डिसीज अच्छा अच्छा और उससे रजिस्ट्री नहीं कराई अपने रिश्तेदार को बोल करके, एक अच्छा करोड़ 75 लाख रिसीव करके उसने मात्र 51 लाख रुपए उसको दिया जिसकी जमीन थी। और इस पे ये जयप्रकाश गुप्ता जिसके लिए मैं हूँ, उसको लाला राम ने कहा कि भाई ये मुझे परेशान कर रहे हैं और इनकी व्यवस्था करनी। मतलब मेरे अगेंस्ट में मेमोरेंडम और सीजर के हिसाब से मुझे कन्विक्शन किया गया है। मतलब मैं लगभग 7 साल 3 महीने से जेल में हूँ। आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जयप्रकाश अच्छा सर, जय प्रकाश, ठीक है। मेलड, मेरे खिलाफ जो मटेरियल उनको मिला है मेलड, उसमें मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम के विटनेस 2 हैं, उनमें से एक एग्जामिन हुआ है और एक एग्जामिन नहीं हुआ है। आशीष कुमार गोस्वामी एग्जामिन हुआ है, PW26 देखो पेज नंबर 112 फर्स्ट पार्ट मेलड। FIR में नामजद आप लोग हैं? अज्ञात अज्ञात है मैंने FIR। मेरे टोटल 6 एक्यूज थे, 3 एब्सकॉन्डिंग है अच्छा और एक एक्विटल हो गया है, और लाला राम बंजारे और मुझे कन्विक्शन हुआ है। लाल राम बंजारे और आपको जी जयप्रकाश, अच्छा ये दो लोग जी हैं, राइट राइट। अच्छा मेरे इसमें से जो मेमोरेंडम और सीजर के जो विटनेसेस हैं वो तीन आशीष कुमार मतलब गोस्वामी, हमारे लोग सामने दो लोग हैं, तीन जी अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं जी और एक का एक्विटल हो गया, दो जी तो आपके खिलाफ एविडेंस भी वो बता रहे हैं आप। मेमोरेंडम सीजर है कुछ? सीजर है मेरे उस पे भी सीजर काहे का है? बहुत मेरे सीजर एक मोबाइल का है, अच्छा एक कुछ पैसों का है जो बैंक में हमने जमा किए, अच्छा अच्छा और साथ में एक बाइक है जो हमारे इंस्टांस में दूसरे से रिकवर हुई। अच्छा अच्छा मैं डिसीज का फोटोग्राफ, डिसीज का फोटोग्राफ दिस इज पर्स का में, पर्स में पर्स यही मिला है जी आपका रिकवरी हो। मैं पेज नंबर 112 पढ़ रहा हूँ। इंजर्ट क्या कहता है? इंजर्ड मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहे, इंजर्ट का कोई आपके बारे में नहीं? हमारे बारे में कुछ नहीं। इंजर्ट इट वाज ओनली द एक्यूज वन दैट इज लाला राम बंजारे हु वाज नोन टू द डिजीज्ड और टू द इंज्यूर्ड विटनेस। अच्छा अच्छा ही हैड गिवन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ किलिंग टू एक्यूज टू जयप्रकाश गुप्ता एंड ही हायर्ड 4 शूटर्स फ्रॉम झारखंड। अच्छा जयप्रकाश गुप्ता ही ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम झारखंड एंड ही यूज टू रन ए ढाबा एट रायपुर एंड ही अच्छा वॉज इन फ्रेंडली रिलेशन विद द मेन एक्यूज दैट इज लाला राम बंजारे। लाला राम बंजारे हैड ट्रांजेक्शन हैड ए डील विद रिगार्ड टू ए लैंड मैनोड एंड देयर वाज अ डिस्प्यूट एज ही वॉज नॉट एबल टू जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड द सेल डीड मैनोड। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द पर्सन हुर प्रेसराइजिंग फॉर एग्जीक्यूटिंग द सेल डीड, देयर फॉर ही गेव ए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग
ऑफ 10 लैक्स टू एक्यूज टू जयप्रकाश गुप्ता. जयप्रकाश गुप्ता हायर्ड 4 शूटर्स फ्रॉम झारखंड, दे विजिटेड एंड दे एग्जीक्यूटेड द प्लान माय लॉर्ड. सो देयर फॉर ओनली उत्तम कुमार चंद्रवंशी हु इज एब्सोंडली अक्यूज, ही वॉज आइडेंटिफाइड इन द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड बाई इंजर्ड विटनेस माय लॉर्ड. सो इफ यू डिड नॉट आइडेंटिफाई टू जयप्रकाश गुप्ता, दैट इज दैट हाँ, नॉट हैव उसके एनी तो बीयरिंग वो माय तो लॉर्ड. था ही नहीं उसके माय सामने। लॉर्ड, दी इनक्रीमिनेटिंग मटेरियल विच इज अगेंस्ट जयप्रकाश गुप्ता इज माय लॉर्ड, दैट फ्रॉम हिम द फोटोग्राफ ऑफ द डिसीज वॉज फाउंड विच और वॉज गिवेन बाई एक्यूज वन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट. ठीक है। सो दैट वॉज रिकॉर्ड फ्रॉम हिम. सेकेंडली फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट, क्योंकि एक्यूज वन ने यह कहा कि हमने इसको मार्च के महीने में 7 लाख रुपए कैश दिया था, 10 लाख में डील हुई थी ये, इसके लिए 7 लाख रुपए दिया था, उसमें से 5 लाख रुपए उसने मार्च के महीने में कैश अपने बैंक में जमा करवाया. नहीं, सो जयप्रकाश ने। जयप्रकाश ने, ओके सो दैट इज पहले 5 लाख और उसके बाद फिर 1.5 लाख, तो वो अच्छा उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, बैंक मैनेजर उसका डिपोजिशन हुआ है. अच्छा ओ सो दैट इज देयर. एंड देन अच्छा। और लाला दी राम कॉल डिटेल्स, दैट इज ऑल्सो इंक्रीमेंटिंग एविडेंस. कॉल डिटेल कॉल डिटेल्स बिटवीन लाला उमेश राम कुमार चंद्रवंशी अच्छा जो एक्यूज, हाँ जो एंड एब्सकॉन्डी एक्यूज, उसके जयप्रकाश बीच में और जयप्रकाश के बीच में. अच्छा राइट 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 सो दैट कॉल डिटेल वो कॉल डिटेल्स हैं उनके। अच्छा दैट हैज बीन प्रूव्ड माय लॉर्ड. मतलब फ्रीक्वेंट। सो और ये जयप्रकाश झारखंड के हैं। नहीं मेरा ये नहीं, झारखंड झारखंड से है लेकिन रायपुर में रहकर ढाबा चलाता अच्छा था. जयपुर में ढाबा चला। उसके उसके एविडेंस में कि 1.5-2 साल से यहाँ पर इसके साथ में. और लाला राम जी से क्या मिला है? लाला राम उसका मोबाइल मोबाइल है और प्लस जो उसने रसीद दी थी 1.75 करोड़ लेने की, वो रसीद है. एंड डिसीज ने जो दिया था जो 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 रसीद, रसीद, काहे की रसीद है वो, क्योंकि क्योंकि डेट इसको और टाइम पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट में इसको टोटल 1.75 करोड़ दिए थे. ये डिसीज को डिसीज डिसीज ने लाला राम ने लाला बंजारा राम को ने दे, दिया लाला था राम को दिए ठीक। थे. और लाला राम ने फिर उसकी जो एक रसीद दी कि हाँ मैंने इनसे 1.75 करोड़ प्राप्त किए हैं इस सौदे को लेकर के, दैट हैज आल्सो बीन एग्जीबिटेड माय लॉर्ड. सो अच्छा अब एक चीज, ये तो लाला राम के पास मोबाइल हो गया और मोबाइल की रिकवरी है, मोबाइल की रिकवरी है, उसके घर के पीछे जो पानी के मोटिव भी थोड़ी इन्हीं को डबरी है, थी मोटिव प्लस वहां से, रिकवरी। ये जो माय लॉर्ड देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, दीज थ्री एब्सकॉन्डिंग पर्संस दे वर अरेस्टेड एट देयर इंस्टेंस, द आर्म्स वाज रिकवर्ड एंड सब्सिक्वेंटली इट अपीयर्स दैट दे आइदर दे मस्ट हैव जंप द बेल और अच्छा समहाउ, बिकॉज देयर आफ्टर इवन द चार्ज वाज आल्सो फ्रेम्ड अगेंस्ट देम, नहीं तो द जंप चार्ज मेमो इज देयर. ये लोग 7 साल से जेल में बता रहे हैं, जी तो जंप नहीं, ये कहाँ? हैं जेल में, लेकिन वो जो अच्छा एब्सकॉन्डिंग जो है अच्छा उनका वो उनका लोग उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है, हाँ। चार्ज मेमो इज देयर, अच्छा अच्छा अरेस्ट तो मेमो इज उन लोग की देयर, बेल हो गई थी क्या लेकिन उसके किसी? बाद सबकी हुई अच्छा थी। वो फिर पकड़े नहीं उसका गए तो तो। बेल जंप कर, उसका तो बेल जंप कर गए होंगे, अच्छा। इसलिए दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डिंग. तो अब इनके खिलाफ तो मोटिव हो गया, प्लस इनके पास मोबाइल किसका, इन्हीं का होगा या डिसीज का है? नहीं मोबाइल इनका है, इनका ही है उसका तो कॉल उसका डिटेल नहीं, बताता है उसके कि कॉल डिटेल से जयप्रकाश और का लिंक है क्या? जयप्रकाश उत्तम कुमार चंद्रवंशी इनके बीच में बात हो रही है इस पे पर्टिकुलरली, उस टाइम पे जिस टाइम पे जो है उत्तम कुमार चंद्रवंशी और दूसरे जो एसएलएंट्स थे उनका मोबाइल उस टावर एरिया में उसकी लोकेशन जो है शो कर रहा है. अच्छा और जयप्रकाश का आप बताइए। मैलेट जयप्रकाश का अच्छा मैलेट जयप्रकाश का मैलेट जो जो जिस मोबाइल 6.5 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ है आपके अकाउंट, वो कैसे मैलेट हुआ है? मैलेट हमारे हम बिजनेस में है मैलेट, हमने पैसा जमा किया, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने एक लेटर लिखा कि इस पैसे से इन्होंने कोई जमीन खरीदी है क्या, वेरीफाई किया जाए. अमाउंट निकले थे बीच में, वो एनेक्सर एग्जिबिट P31 और 32 है. झारखंड से पुलिस को रिप्लाई आया कि मैंने कोई जमीन नहीं खरीदी है. सेकेंड थिंग मैलॉट, मोबाइल जो बोल रहे हैं ये, उसके लिए मैं PW26 नहीं अब का जो 6.5 लाख रुपए है ये कैसे पता कि ये अमाउंट लाला राम ने इनको जी दिया था? इसका क्या नहीं एविडेंस है? कोई एविडेंस नहीं क्योंकि ये मैडम, लोग सब वो हैं बिजनेस, मतलब सॉरी एस्टेट ढाबा वाले नहीं, उसमें बिजनेस में हैं प्रॉपर्टी। ये रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं है, अच्छा ये तो ये तो जयप्रकाश को ढाबा हायर चलाते हैं. क्रिमिनल है ना? रियल एस्टेट बिजनेस में जो हाँ नहीं वो तो फिक्टिव पार्टी है लाला, वो रियल हाँ एस्टेट डिसीज बिजनेस में. पार्टी की अकाउंट डाल्टनगंज झारखंड में है, हैं। अकाउंट डाल्टनगंज झारखंड में है जहां पैसा जमा हुआ. इनके इतिहास क्या कोर था बैंकिंग मिस्टर जयप्रकाश का? इतिहास क्या है आपका, क्रिमिनल हिस्ट्री क्या कोई है? नहीं मिल.
मेरठ मोर ओवर मेरठ जिस मोबाइल की और लोकेशन की बात कर रहे हैं वो PW26 ने कोर्ट में पैरा नंबर 9 में कहा है कि मुझसे नोकिया का मोबाइल जब्त हुआ है, और जबकि सीजर मेमो बताता है कि सैमसंग का हुआ है, और जिस मोबाइल को नंबर को ये बोल रहे हैं वो नंबर को सिम को रजिस्टर को सीज करना नहीं बताता है, सिम के बारे में कुछ नहीं बोलता है, प्रॉब्लम मिस्टर गुप्ता, एक चीज ये आ रही है कि सिम किसी और के नाम पे है। एविडेंस, ये जो 5.5 या 6.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है जयप्रकाश का, आप कहते हैं कि इसने दिया, लाला राम ने दिया, इसकी क्या एविडेंस है? 2 महीने पहले जमा हुआ है पैसे, 2 महीने पहले इंसिडेंट के, इंसिडेंट इसके 2 महीने पहले जमा हुआ है। इंसिडेंट के 2 महीने पहले, इसका क्या है, नेक्सस क्या है? और मान लीजिए, आप और भाई एक कॉल डिटेल्स हैं, लेकिन उस कॉल डिटेल्स में क्या बात हो रही है ये तो कभी आता ये नहीं है। मोबाइल भी मेरा नहीं है, सिम भी मेरे नाम में नहीं है, अरे आप सीजर इतने अच्छे आदमी हैं कि आपके नाम कुछ नहीं है, सिर्फ आप फालतू का जेल में हैं, इतने अच्छे आदमी आप है ना। द प्रॉब्लम इज दैट ना, वो लिंक एस्टैब्लिश करना थोड़ा सा है ना, तो इनको ये तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे। आप लोग साढ़े सात साल इनको, से दोनों इनके लोग ये पास जो 7 साल 3 महीने फोटोग्राफ हो थी सर गए मेमो में, हैं? हाँ अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ वही तो। इनके पास से एक जो सीजर मेमो है दैट इज एग्जिबिट अब वो 38 जो कि देखिए, एक्यूज टू से, उसमें अब इनके पास से डिसीज्ड का फोटोग्राफ भी जब्त हुआ है, डिसीज का फोटोग्राफ तो कहीं से दैट्स भी हो सकता है, माय नोट। लीगल एविडेंस पे है ना, है तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये तो समझ में आ रहा है, वो लेकिन डायरेक्ट जो एविडेंस कैन नॉट डायरेक्ट बी, एविडेंस, इट्स वेरी और डिफिकल्ट टू अच्छा जो गेदर। इंजर्ड था उसका भी, वो जो एक तो था ना, क्या नाम है, उत्तम कुमार चक्रवर्ती, उत्तम, उसको उसको आइडेंटिफाई भी किया उसने दिखाया है टीआईपी बोले पे। हाँ उस में। टीआईपी के लिए पूरा कंप्लीट हो सही हो गया कि पुलिस वाले फोटो दिखाए, तो दिखा चुके हैं किसी को हाँ, देख के जाके पहचान आउट और करके। आप सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट कब आए आप 7.5 साल से जेल में? सर बता 2012 की घटना है, अच्छा। 2018 में एक को एक्यूज लोग गए थे, कुछ उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से मिला, कई लोग को हाई कोर्ट से मिला 2019, ऐसे करके इन ऑल 2000 नहीं, तो आप जजमेंट कब का है? ये तो अभी अभी का, सॉरी सर अभी 24 हाल का है, तो अभी अभी हाल में फरवरी वापस आप गए हैं ये 7 साल के जेल के बाद सत्ताईस आप। सत्ताईस दो चौबीस का है, ये अच्छा, फरवरी चौबीस 27/2/24 का सत्ताईस है, दो चौबीस का जज, अच्छा वैसे 7.5 साल उसके का। बीच बीच में इनको बेल मिल गई थी तो बाहर थे। इनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स तो है नहीं, अब वही है, 7.5 साल रह चुके अभी तो ये है, और अपील का भी आप क्या हम समझते हैं। देखिए, हर्ड इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट दैट देयर वर 6 अक्यूज्ड इन्वॉल्व इन द प्रेजेंट केस एंड आउट ऑफ व्हिच 3 आर स्टिल हैव एब्सकॉन्डेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल एंड द वन ऑफ द अक्यूज, क्या नाम था जो रवि है, वर्मा, रवि वर्मा वॉज एक्विटेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड द प्रेजेंट टू अपेलेंट्स हैव बीन कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस इन क्वेश्चन। इट इज सबमिटेड दैट देयर अपियर्स टू बी नो कोजेंट एविडेंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट फॉर रिकॉर्डिंग देयर कन्विक्शन बाय द ट्रायल कोर्ट एंड सेंटेंसिंग देम फॉर द ऑफेंसेज इन क्वेश्चन एंड ओनली एविडेंस दो देयर वॉज एन इंजर्ड विटनेस PW23 23 अशोक निभाने अशोक निमानी इंजोर्ड हु हैज आइडेंटिफाइड वन उत्तम, नाम क्या है, उत्तम कुमार चंद्रवंशी, उत्तम कुमार चंद्रवंशी, दैट ही पार्टिसिपेटेड इन द क्राइम एंड आइडेंटिफाइड हिम एट द शूटर आइडेंटिफाइड हिम एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट बट सब्सिक्वेंटली ही डिड नॉट बिफोर द ट्रायल कोर्ट स्टेटेड दैट ही डिड नॉट सी एनी पर्सन कमिटिंग द क्राइम इन क्वेश्चन एंड अल्टीमेटली ही टर्न हॉस्टाइल, यही होगा और क्या, डिड आइडेंटिफिकेशन नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन केस विद रिस्पेक्ट टू उत्तम सच एंड सच, क्या नाम से भूल गए, चंद्रवंशी चंद्रवंशी। एंड सो फार एज द एप्लीकेंट लाला राम बंजारे इज कंसर्न देयर अपियर्स टू बी मोटिव सजेस्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन कमीशन ऑफ द क्राइम ऑफ द डिसीज एज द डिसीज हैज गिवेन सम मनी टू द सेट अपलेंट एंड देयर आफ्टर सम डिस्प्यूट अरोज विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड था, नहीं, वो रिसीट दिया था उसने, नहीं, एग्जिबिट पी सेल नाइनटी डीड का सिक्स पे। डिस्प्यूट था मेरा, डिस्प्यूट हाँ सेल डीड का सेल था डिस्प्यूट सेल डीड का था, है ना। सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा था, हाँ जिसकी जमीन थी उसने उसने भी एविडेंस में एंड कहा है। सेल बिकॉज है ना, एग्जीक्यूट एंड द एविडेंस व्हिच हैज बीन कलेक्टेड
वॉज विद रिस्पेक्ट अ फोटोग्राफ ऑफ द डिसीज वॉज रिकवर्ड एंड अ मोबाइल फ्रॉम लाला मोबाइल राम ना, मेलर लाला राम नहीं, पर्स से, पर्स से, उसके पर्स, जयप्रकाश से। जयप्रकाश के पर्स से रिकवर किया अच्छा गया नहीं, था। लाला राम से सिर्फ मोबाइल मिला है, लाला राम केवल मोबाइल, सिर्फ मोबाइल मोबाइल मिला है, और प्लस जो एविडेंस है कि उसका उसने रसीद दी हुई थी 1 करोड़ एंड से अ ऊपर लाख। रिसीट व्हिच वाज गिवन बाय द नहीं सर, डीसी। वो सीजर में ही फंस है, दैट वाज नहीं प्रोड्यूस्ड। एग्जिबिट है P96। जब नहीं जो एग्जिबिट भी है, हुआ वो हो एग्जिबिट थोड़े, सर में नहीं अरे है, बट चलो चलिए, एग्जिबिट बहुत बट एग्जिबिट हुआ। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, है ना, है ना। और क्या देते हैं, एंड सो फार एज द एपलेंट जयप्रकाश एलियस प्रेम इज कंसर्न, इट इज स्टेटेड दैट इट वॉज दो इट वॉज स्टेटेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एंड ₹10 लाख वॉज गिवेन बाय लाला राम बंजारे टू जयप्रकाश गुप्ता एलियस प्रेम, हु वॉज रनिंग अ ढाबा एट रायपुर एंड बिलोंग टू झारखंड, एंड आउट ऑफ विच 6,50,000 वॉज डिपॉजिटेड बाय जयप्रकाश इन हिज अकाउंट विच वॉज गिवेन बाय कैश टू लाला राम फॉर मर्डर ऑफ द डिसीज्ड, एंड द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड दैट द अमाउंट विच इज सेड टू हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द एपलेंट जयप्रकाश गुप्ता इज प्रेम इन हिज अकाउंट देर इज नो एविडेंस टू शो दैट द सेड मनी वॉज पेड बाय लाला राम बंजारे टूवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ऑफ द डिसीज, एंड फर्दर फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ इनसे ही मिली थी, इन्हीं से इससे ही मिली, मिला है। रिकवर फ्रॉम द पर्स ऑफ द अपलेंट ऑफ द डिसीज, ठीक है ना, एंड कितने दिन बाद? पर्स ऑफ एक्यूज दी, पर्स ऑफ दी एक्यूज मतलब। पर्स ऑफ द, पर्स ऑफ द एक्यूज, एंड दी इट इज फर्दर सबमिटेड दैट दी एपलेंस एज एन इंडिया ट्रायल एंड आफ्टर कन्विक्शन दे हैव सर्व अबाउट मोर देन 7 इयर्स, सेवन 7 years, एंड 3 months. 3 इयर्स इन जेल, and they were granted bail during the pendency of the trial on the basis of incarceration by the apex court, and the learned counsel for the state has opposed the prayer for bail and submitted that it is a contract killing and there was some phone call details which goes to show between the Lala Ram and Banjare and Jay Prakash Gupta is claim and Ume kya naam hai Chandravanshi, but the said evidence further is not but the said to which the learned counsel for the appellant submitted that the said evidence is not sufficient to record conviction against the applicant, hai na, as what transpired between the two has also not been recorded, has been placed before the trial court, and considering the facts and circumstances of the case and the petitioners have already been in jail up to appellants, I mean, for more than 7 years as under trial after the conviction, and they were granted bail by the apex court on the ground of incarceration, and the present appeal is of the year 2024 and may take some time.